आगरा मेयर सीट पर भी बसपा की बढ़त लगातार बरकरार है। यहाँ पर भी बसपा लगातार जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, आगरा की बात करें तो मेयर सीट पर बसपा की बढ़त बरकरार है और लगातार बसपा की जो कैंडिडेट हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। आगरा मेयर सीट पर बसपा की बढ़त बरकरार है तो आगरा में टक्कर जबरदस्त बसपा ने दी और देखिए उसका परिणाम रुझान दिख रहे हैं। परिणाम तो हालांकि अभी इंतजार करना होगा, लेकिन आगरा की मेयर सीट पर बसपा की बढ़त बरकरार है। और चलिए कुछ आंकड़ों पर रुक कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कानपुर की कि किस तरीके का डेटा वहां पर सामने आ रहा है। बिल्कुल, कानपुर नगर की बात करें, नगर निकाय का युद्ध यहाँ पर, नगर पालिका की दो सीटें हैं। घाटमपुर में सपा आगे बढ़ रही है, बिल्हौर में जो है अन्य का यहाँ पर दबदबा दिखाई दे रहा है, अन्य आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष की दो यहाँ पर सीटें शिवराजपुर से अभी रुझान आनी बाकी है और साथ ही बिठूर से भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि सपा यहाँ पर आगे बढ़ती हुई रुझानों में नजर आ रही है। नगर पंचायत की दो में से बिठूर सीट सपा अभी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए और साथ ही बिल्हौर में अन्य आगे बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। और घाटमपुर से भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है कानपुर नगर से कि घाटमपुर में भी नगर पालिका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बढ़त बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और दीपा देखिए यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली, बिठूर में नगर पंचायत अध्यक्ष के पद को लेकर फर्जी मतदान को लेकर हंगामा भी हुआ था। जो वहाँ के विधायक हैं अभिजीत सांगा, उन्होंने विरोध दर्ज कराया था कि प्रशासन ठीक नहीं काम कर रहा। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, भाजपा को यहाँ बढ़त मिल रही है तो फिरोजाबाद से भी रुझान सामने आ रहे हैं। लगातार फिरोजाबाद में भाजपा के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं और ये मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो फिरोजाबाद से भी रुझान आगे आ रहे हैं। भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए है, भाजपा के प्रत्याशी फिरोजाबाद में बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, भाजपा के लिए अच्छी खबर फिरोजाबाद से भी सामने आ रही है, बढ़त यहाँ पर लगातार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। फिरोजाबाद से अच्छी खबर भाजपा के लिए है और जो विपक्षी दल जोर लगा रहे थे वो दिखाई नहीं दे रहे। फिलहाल खबर ये आ रही है कि भाजपा को बढ़त मिलती हुई साफ तौर से फिरोजाबाद में दिखाई दे रही है। इसके अलावा अलग अलग जगहों से लगातार बड़ी खबर वो आपके सामने हम रख रहे हैं। आंकड़े लगातार पलट रहे हैं, लगातार बदल भी रहे हैं और ये खबर फिरोजाबाद से है, भाजपा को लगातार बढ़त, भाजपा का प्रत्याशी जीत की ओर निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, यहाँ पर भाजपा को 1485 वोटों की बढ़त इस वक्त मिली हुई है, जानकारी ये मिल रही है। तो देखिए फिरोजाबाद में भाजपा को 1485 वोटों की बढ़त, यानी कुल मिलाकर जहां से रुझान आ रहे हैं सबसे मजबूत स्थिति झांसी की है, जहां पर प्रत्याशी को 43,000 वोटों की बढ़त मिल चुकी है। लेकिन फिरोजाबाद की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी को 1485 वोटों की बढ़त मिली हुई है, लेकिन रुझान में लगातार ये आंकड़ा धीरे धीरे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जा रहा है। फिरोजाबाद की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर भाजपा के मेयर प्रत्याशी को 1485 वोटों की बढ़त हासिल हो चुकी है। इन सबके बीच टैली पर नजर डाले तो 17 के 17 रुझान सामने आ चुके हैं, 16 पर भाजपा चल रही है आगे। देखिए अलीगढ़ मेयर सीट पर 3 राउंड पूरे हो चुके हैं और भाजपा प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर अलीगढ़ से, भाजपा में भाजपा प्रत्याशी 29,091 वोट मिले हैं इनको और इनकी बढ़त लगातार बरकरार है। अलीगढ़ मेयर सीट पर 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, ये जान लीजिए आप। और इसके साथ ही खबर है कि भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर ये है कि 29,091 वोट मिले हैं भाजपा कैंडिडेट को और इसी के साथ ही जीत की तरफ बढ़ता हुआ भाजपा का कैंडिडेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गोरखपुर मेयर सीट को लेकर भी खबर कि 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 20,802 वोट से भाजपा प्रत्याशी यहाँ पर आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही 5 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद भाजपा के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है गोरखपुर से। तो देखिए अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है काउंटिंग को पूरे हुए, अब वक्त जब बीत रहा है, कई घंटे बीते हैं, तो अब जो आंकड़े आएंगे वो धीरे धीरे रुझानों से निर्णय बदलते जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।